नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, आईबीएम टीवी 9 न्यूज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। उपराजधानी नागपुर से सबसे बड़ी खबर, टेका फारूक नगर में रविवार 18 जून की शाम को लापता हुए 3 बच्चों की लाश खड़ी कार में मिलने से सनसनी फैल गई। शनिवार 17 जून की दोपहर से तीनों बच्चे लापता थे। मृतक बच्चों में 2 बहन भाई व 1 बच्ची का समावेश है, जिनका नाम तौफीक फिरोज खान उम्र 4 साल, आलिया फिरोज खान उम्र 6 साल, आफरीन इरशाद खान उम्र 6 साल है। दिल को दहलाने वाली यह घटना नागपुर शहर के 5 पावली पुलिस स्टेशन हद की है। फारूक नगर में माहौल खराब न हो, इसलिए परिसर में तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। आप देख सकते, यही वो कार है जिसमें तीनों बच्चों की लाशें मिली। इस घटना के बारे में पड़ोसियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अगर समझ लो वो कुत्ता, यानी कि जो भी है डॉग, उनका कपड़ा से वो, हाँ वो सूंघा था वहाँ पे, और वही अगर दोपहर में हो जाता है ना, अगर दोपहर में धूप के वजह से उन्होंने घुमा नहीं पाए, धूप ज़्यादा थी आज, तो इसलिए इसके वजह से आज घुमा नहीं पाए। तो अगर आज दोपहर में अगर घुमा, दोपहर में लाए थे इन्होंने लेकिन घुमा नहीं पाए धूप के वजह से, क्योंकि पाँव उसका जल रहा था वो डॉग का, इसलिए आज उसको घुमा नहीं पाए। फिर उसको शाम में घुमाए तो जब उनको पता चला कि बराबर ये यहाँ पे है बॉडी जो भी है। लेकिन हमने अधिकारियों से बात किया तो जो सर्च ऑपरेशन चालू था घर घर जाके, तो एक कारखाना है वहाँ कपड़े का जहाँ पर कार खड़ी है, उस जब कारखाने में ये जांच के लिए गए तो वहाँ पर अधिकारियों को स्मेल आई कार में से, तब जाके उन्हें पता चला, उन्होंने गेट खोले, लॉक खुला था उसका। सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कुत्ते का कोई विषय नहीं है ना इसमें, कारखाने वाले का कोई विषय है इसमें, ना कुत्ते का कोई विषय है ना इसमें, कारखाने वाले का कोई विषय है इसमें। सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप 2-4 लाख की जो भी गाड़ी है कि आप खड़ा कर रहे हो कहीं पे भी अनजान जगह, बस्ती में है ये आप पार्क नहीं है, ये बस्ती है, ये आप यहाँ पे कार खड़ा कर रहे हो तो आपको यानी कि लॉक को पूरा जो भी है उसका पूरा इंतजाम करने को ना। कोई भी बच्चा, अभी मान लो हमारे घर का बच्चा, कल दूसरे का बच्चा भी मान लो यहाँ का जो रहवासी है उसके साथ में ऐसा हो जाए, अभी चलो हम लोग यूपी के हैं सब, हम लोग अब हमारे साथ में ऐसा हुआ, अभी यहाँ के रहवासी के साथ में हो जाता तो आज क्या से क्या होता। एक बात बता रहा हूँ सर आपको, ठीक, आप बच्चों के कौन है? जी हम उसके जिगरी अच्छा। दोस्त है हम अच्छा। हमारे दोस्त के जिगरी दोस्त के बच्चे गायब हुए, फिरोज खान, फिरोज खान, हाँ हमारा नाम है मोहम्मद आलम। फारूक नगर पूरे जी सर, और आप उनके कौन है वो बताना। चलो आपका नाम बताइए। हमारा नाम है सुब्राती खान जी, हम लड़के जो गायब हुए मतलब ख़त्म हो गए उनके हम दादा हैं, चचे गए। अच्छा, उनके बच्चों का नाम क्या थे? बच्चों का नाम एक लड़की का आलिया था और तौसीफ। कितने कितने साल के हैं ये? 5 साल 5.5 साल ऐसे है। कितने दिन हो गए गुम होने के लिए? एक शायद 5 साल का है, 6 साल का बच्चा है। आपको कब पता चला ये जो एक्सीडेंट हुआ, बच्चे जो इंतकाल हो गए, आपको कब पता चला? हमको सर ये तो मगरिब बाद पता चला, 7 बजे करीब पता चला, कल से पता चला हमको। इधर देखो पुलिस वाले सब कोई हमारे साथ मेहनत कर रहे थे, सब ढूंढा रहे थे, जाने जहाँ कहाँ कहाँ पता चला, वहाँ वहाँ हम लोग गए, लेकिन बच्चे हमारे घर के बाजू में जो CID कुत्ता जी मिला वो वहाँ पर बताया कि यहाँ है। लेकिन आपने 2 लोगों के नाम बताए, बच्चे 3 है, एक लड़का है, 2 लड़की है। हाँ, एक लड़की का नाम क्या है? एक लड़की का नाम आफरीन है। आफरीन एक लड़के का नाम, लड़के का नाम एक आलिया है बेटी का, और आफरीन। फिर उसके लड़के का नाम क्या है? अच्छा ठीक है ठीक है, छोटे बच्चे का क्या नाम है? आपको कैसा इंसाफ कैसा चाहिए आपको? इंसाफ हमारा जो हमारा सिर्फ ये कहना है, जो यानी कि जो गाड़ी का मालिक है, जो गाड़ी जिसने ये पार करा है उसके ऊपर ये कार्रवाई होना, बिल्कुल हमारा पूरा ये है कि उसने जब 10 लाख की वो गाड़ी खरीद सकते हैं तो 10,000 रुपए का लॉक क्यों नहीं लगा सकते वो? अच्छा आज हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया उनके वजह से आज।
आपका सीधा सीधा आरोप गाड़ी वाले के गाड़ी वाले के ऊपर जिसने बस बच्चे लॉक रहता है, तो अगर बच्चे हमारे बच्चे आज हमारे घर में सेफ्टी रहते से जानकारी तो मिले बच्चे अपने आप गए उसमें गाड़ी लॉक हुई हमारी जो कार्रवाई है कोई किसी गाड़ी वाले के ऊपर बच्चों को किया मतलब वो भी तो जानकारी चाहिए ना। बाकी हमारा जो पुलिस प्रशासन है जो पांच पौली है जो हमारा नागपुर में बहुत हमारा समर्थन करे, रात भर हमारे साथ में रहे और रात भर घूमे हमारे साथ में हर जगह। अच्छा यानी कि अच्छा यानी हमको अच्छा यानी कि हमारे को साथ दिए उन्होंने, उनसे कोई शिकायत उनको तो हम यानी कि नए दिल से उनका यानी कि जो भी है धन्यवाद करते हैं। ये थी आज की खास खबर, आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।